गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। हम आज करेंगे हायर परचेज। बहुत ही इजी चैप्टर है हायर परचेज। मैं एक सिंबल बना रही हूँ, बताइएगा किसका है, क्या आप पहचान सकते हैं? हाँ जी, किसका सिंबल है ये? हाँ, इसने तो बनाने से पहले ही बोल दिया था कि हाँ BMW का सिंबल है ये। तो ये है हमारी प्यारी सी BMW। क्या इसका प्राइस है मिनिमम बेसिक? यस, 46 लाख से ये स्टार्ट हो रही है। तो हम थोड़ा प्रीमियम मॉडल ले लें, 60 लाख। तो BMW है 60 लाख की। आप सबकी इच्छा है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है, BMW 60 लाख की। आप चले गए मार्केट, आपको पता नहीं था 60 लाख की है। आप चले गए मार्केट, शोरूम के अंदर गाड़ी आप पसंद कर रहे हो और आप रेट पूछ रहे हो, तो भैया ने बोला 60 लाख। आपने कहा 60? हे माँ माता जी, कैसे होगा ये 60 लाख? तो नहीं, आपने कहा नहीं, मैं बाय नहीं कर सकता। क्यों बाय नहीं कर सकते आप? क्योंकि जेब में पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। 60 लाख की गाड़ी आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटली जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे हैं जो हम लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गाड़ी हम खरीद नहीं सकते। तो एक ऑप्शन मार्केट के अंदर है, रेंट पर ले जाओ गाड़ियों के साथ में। आप देखोगे ऑन रेंट, रेंट पर ले जाओ आप। कस्टमर गाड़ी खरीदना चाह रहा है, कस्टमर आईफोन खरीदना चाह रहा है। कितने का है लेटेस्ट आईफोन? 14 80 का? हाँ चलो, प्रीमियम वाला 130 के अराउंड होगा, 150। हाँ, आईफोन खरीदना चाहते हो आप, लेकिन बजट के बाहर है। कैसे तुम्हारा इसका हाँ आया था? हाँ, मैं खरीदना चाहती हूँ लेकिन बजट के बाहर है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे बजट के बाहर है। हायर परचेज सिस्टम इसे हमारे बजट के अंदर बनाता है, जिससे एक ऐसी चीज़ जो हमें लग रहा था हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, हायर परचेज सिस्टम पॉसिबल करता है कि आप इसको खरीद लो। कैसे? देखिए, BMW के शोरूम में आप खड़े हैं, आपने पूछा कितने का है ये वाला मॉडल, उसने कहा 60 लाख। आपने कहा 60 लाख। अब वो सेलर आपको देख रहा है, समझ रहा है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी देख रहा है कि आपकी इच्छा है इस गाड़ी को लेने की। तो सेलर ने कहा कि बताइए सर, कब डिलीवरी करवाएं? आपने कहा नहीं नहीं भैया, इतना मेरा बजट नहीं है, ये तो मैं गाड़ी नहीं ले सकता। सेलर ने कहा कितना बजट है आपका बताइए? आपने कहा 15 लाख। सेलर ने कहा सर आप भी क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे 15 लाख दो, गाड़ी कल आपके घर। तो एकदम से आपकी आंखें खुली, अच्छा 15 लाख देंगे और गाड़ी कल हमारे घर?
तो आपने पूछा क्या भैया 15 लाख दे दूं तो गाड़ी कल घर आ जाएगी। उसने कहा हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं, आप 15 लाख मुझे आज दो बैलेंस पेमेंट। अब उसने बोला बैलेंस पेमेंट आप मुझे धीरे धीरे देना इंस्टॉलमेंट में। बैलेंस पेमेंट कितनी बन गई? 45 लाख। आपने उसने कहा आपको कि भैया बैलेंस पेमेंट आप मुझे धीरे धीरे देना, आप आज 15 लाख दो कल गाड़ी आपके घर। तो आप भी बड़े खुश क्योंकि पड़ोसी को दिखाना था, वो ऑप्शन मिल गया, गाड़ी तो कल आ जाएगी घर। आपने कहा चल ठीक है। उसने कहा 45 लाख इंस्टॉलमेंट में देना। आपने कहा लेकिन भैया मैं इतना नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं 45 लाख रुपए, मैं कहाँ से दूंगा। उसने कहा सर आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है? आपने कहा 12 लाख। उसने कहा सर आप चिंता मत करो मुझे 45 लाख आप धीरे धीरे करके दो, आप मुझे हर महीने सिर्फ 2 लाख रुपए दो बस। अब क्या लगता है हर महीने 2 लाख रुपए दे देंगे अगर 12 लाख की सैलरी है तो? हाँ ये 12 लाख में से 2 लाख रुपए तो दे देंगे। तो उसने कहा हर महीने आप मुझे 2 लाख रुपए दो। तो कितने महीने? इसको 44 कर लेते हैं, चलो 16 हमने डाउन दे दिया। ठीक है वो शब्द आ ही गया तो मैं बोल ही देती हूँ डाउन पेमेंट। जो पेमेंट आप इनिशियली करोगे जिससे वो आपको सामान दे देगा उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो सपोज 16 लाख आपने डाउन दे दिया था 60 लाख की गाड़ी का, बच गया था 44 लाख। इसने बोला हर महीने आप 2 लाख रुपए दे दो। तो कितने महीने पैसा देना पड़ेगा? 22 मंथ्स। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। मतलब 2 साल में गाड़ी मिल जाएगी। इट इज़ अ वेरी गुड डील फॉर अ पर्सन जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके लिए बहुत अच्छी डील है कि बहुत बढ़िया मैं आज 16 लाख देता हूँ। सबसे बड़ी बात है गाड़ी घर पे आएगी ना। किसको पता है 16 लाख दे के लाया हूँ कि 60 लाख दे के लाया हूँ? दूसरों को थोड़ा ना बताना है मुझे कि 16 लाख दे के लाया हूँ। ये जो लग्जरी आइटम्स हैं ये यूज से ज़्यादा शो ऑफ के लिए होते हैं। हर वो चीज़ जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लग्जरी कैटेगरी के अंदर है। आईफोन यूज से ज़्यादा शो ऑफ। लेकिन हाँ देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऋषभ पंत, उसकी लाइफ सेव हो गई बिकॉज वो गाड़ी का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है उसमें आग लग गई है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है कि वो गाड़ी नहीं आपको सेव किया है। मर्सिडीज बेंज BMW इनका प्राइस इतना हाई क्यों है? इनके अंदर फीचर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से इनका प्राइस हाई है। तो देखो कुछ लोगों के लिए ये नेसेसिटी है। आप अगर सेलिब्रिटी हो आपकी लाइफ उस एंगल से आप देखते हो तो आपको ये गाड़ियाँ चाहिए। लेकिन आज अगर हम कह रहे हैं हमें ये गाड़ी चाहिए तो हमारी लाइफ प्रेशियस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लिए रियल सेंस में इनका यूज़ इतना नहीं है जितना शो ऑफ वाली चीज़ है। आईफोन आपके लिए यूज़ उसका अभी इतना नहीं है लेकिन हाँ कंपनी के अंदर प्रोफेशनल्स अगर आप देखोगे आईफोन के अंदर इतने फीचर्स हैं ऑफिस के कि आप उसके बाद कोई और फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते। वो आपको इतने फीचर्स देता है। उसमें सीधा फीचर है स्कैन दी डॉक्यूमेंट। उसके अंदर आपको आईफोन साइलेंट करना हो तो बहुत इजी प्रोसीजर, आप कंपनी मीटिंग में हाँ फटाफट साइलेंट करेंगे। दूसरा फ़ोन आप उसको खोलेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ढूंढेंगे, उसमें समय लगेगा। तो आईफोन ऐसे छोटे छोटे कई फीचर्स देता है, वहाँ नेसेसिटी है। लेकिन अभी अगर हम खरीदेंगे लग्जरी है। तो अभी के लिए हमारा ज़्यादातर वो रहता है कि चलो हो थोड़ा हमारा स्टेटस बढ़ेगा,
लोग हमें देखेंगे तो आपको लग रहा है 16 लाख देकर यार BMW घर पे आ जाएगी, और हर महीने मुझे सिर्फ कितना देना है, 2 लाख, तो बहुत सही है, ये तो बहुत बढ़िया डील है, अग्रीड। आपने कहा ठीक है भैया, डन रहा, फिर 16 लाख आज दे देता हूँ और हर महीने 2 लाख दूंगा। तो उसने कहा हाँ सर, 2 लाख दोगे और साथ में थोड़ा इंटरेस्ट दोगे। आपने कहा इंटरेस्ट कैसे? उसने कहा सर, पेमेंट मैं 22 महीनों में ले रहा हूँ आपसे, जो पेमेंट मुझे आज मिल जाती, मैं पेमेंट इतना लेट कलेक्ट कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट तो लूँगा ना आपसे। तो आपने कहा अच्छा हाँ, इंटरेस्ट तो लोगे भैया, चलो फिर बताओ इंस्टॉलमेंट कितने की? उसने कहा सर देखो, इंस्टॉलमेंट पड़ेगी आपको 2,02,000 की, हर महीने कितना दे देना, 2,02,000। यस। तो हमें लगा कि चल ठीक है, अफोर्ड कर लेंगे, डन। तो ये डील हो गई और आप ले आए BMW। कौन करेगा ये डील बताओ? कौन सा बच्चा ये डील करेगा? किसके घर आएगी BMW ये वाली? किस किस ने डील करी? कशिश ने कर ली, और शुभाशीष, श्रेयांश, कशिश ने कर ली और श्रेयांश ने कर ली, इन दोनों ने ना ये डील कर ली है। ठीक है, भैया से बात हो गई है, शोरूम वाले भैया से, 16 लाख हम दे देंगे, हर महीने हम देंगे 2,02,000 आने वाले 22 महीने तक, और उसके बाद ये गाड़ी पूरे तरीके से अपनी हो जाएगी, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। कब? लास्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो अभी तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, हायर परचेज की कोई बात नहीं है, अभी तो इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट चल रहा है कि हमने एसेट खरीदा, इंस्टॉलमेंट पर खरीदा, इंस्टॉलमेंट 2,02,000 की है और हमें 22 महीनों तक देनी है, उसके बाद ये गाड़ी पूरी तरीके से अपनी हो जाएगी। तो कशिश ने भी ये डील कर ली है और श्रेयांश ने भी ये डील कर ली है। अब क्या हुआ, 10 महीनों के बाद, 10 महीने हर महीने 2,02,000 पेमेंट जाती रही। 10 महीने के बाद 11वें महीने कुछ ऐसा हुआ कि ये पेमेंट नहीं कर पाए, कशिश ने भी नहीं करी और श्रेयांश ने भी नहीं करी। क्यों नहीं कर पाएंगे हम पेमेंट? हो सकता है उस महीने कोई और खर्चा आ गया, कोई घर में बीमार हो गया, उसके हॉस्पिटल में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, हम नहीं दे पाए पेमेंट। अब आपने 1 महीने पेमेंट नहीं दी, सेलर क्या करेगा? गाड़ी ले जाए। देखो, इस सेलर ने कहा आपने इस महीने की किश्त नहीं दी, कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना और इस महीने की जल्दी दे दो। अभी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने कहा ठीक है भैया, अगले महीने हम दे देंगे। 12th मंथ आ गया, आपने अगले महीने भी पेमेंट नहीं करी। कोई खर्चा आ गया या पता नहीं आपकी सैलरी रिड्यूस हो गई, पता नहीं, लाइफ में 10 चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए। अब पेमेंट नहीं कर पाए तो सेलर पहुंचा कशिश के घर कि जी 2 महीने हो गए हैं आपने जो है पेमेंट नहीं करी, और उन्होंने क्या कहा, हम गाड़ी, ये वाली जो गाड़ी है, हम उठा के ले जा रहे हैं। कशिश ने कहा खबरदार जो मेरी गाड़ी को हाथ लगाया। क्या कहा इसने? खबरदार जो मेरी गाड़ी को हाथ लगाया, चाहे तो मुझे कोर्ट में ले जाओ, लेकिन मेरी गाड़ी को मत छूना। गाड़ी तो रहेगी घर के आगे, तुम मुझे कोर्ट में ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो गए श्रेयांश के घर। श्रेयांश के घर जाके उन्होंने कहा 2 महीने हो गए आपने पेमेंट नहीं करी।
श्रेयांश ने कहा, हाँ मैं नहीं कर पाया पेमेंट। उन्होंने श्रेयांश का हाथ पकड़ा और कोर्ट में ले जाने लगे। श्रेयांश ने कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, गाड़ी ले जाओ, मुझे तुम टच मत कर देना, गाड़ी की बात है ना, उठाओ अपनी गाड़ी ले जाओ। सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज, बाकी एवरीथिंग इज सेम। वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम कह दो या हायर परचेज कह दो, दोनों में हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स देंगे, एसेट लेकर आएंगे, एसेट की डिलीवरी दोनों में ही हमें मिलेगी। आप इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट करो, एसेट आपके घर, हायर परचेज में डाउन पेमेंट करो, अगले दिन एसेट आपके घर। लेकिन अगर आपने किश्त नहीं दी तो आपके साथ क्या हो सकता है? यहाँ डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में। कशिश ने क्या कहा था? गाड़ी को हाथ मत लगाना, मुझे ले जाओ, दिस इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, कशिश वाला सिस्टम। उसने कहा गाड़ी को मत हाथ लगाओ, मुझे ले जाओ, इसका मतलब गाड़ी मेरी है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। उसी समय जैसे आपने डाउन पेमेंट करी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो गाड़ी कशिश की हो गई। इसलिए कशिश ने कहा था गाड़ी को हाथ मत लगाना, मुझे ले जाओ कोर्ट के अंदर। श्रेयांश ने क्या कहा था? मुझे हाथ मत लगाओ, गाड़ी ले जाओ, क्योंकि गाड़ी आज भी तुम्हारी है। दिस इज हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना है, अगर हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो देखिए वैसे भी ओनरशिप हमारी नहीं है, आप अपने एसेट को ले जाओ, और क्या करोगे आप? दो ही ऑप्शन है अगर हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, या तो हम रात को एसेट लेके भाग जाए, ठीक है कि जी हम तो दे नहीं पा रहे इंस्टॉलमेंट, तो आप एसेट को लेके भाग जाओ, गाड़ी लेकर आप भाग जाओ, ठीक है, फिर आपको पुलिस पकड़ के लाएगी, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, आपने कहा जी मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, तो हायर सेलर, जिसने सामान हायर परचेज पे बेचा, उसको हम बोलेंगे हायर वेंडर। हायर वेंडर क्या करेगा? अपना सामान उठा के वापस ले आएगा। तो जो अकाउंटिंग होती है वो सेम ही होती है इंस्टॉलमेंट की और हायर परचेज की। इसलिए हमारे स्टडी मॉड्यूल के अंदर चैप्टर का नाम है हायर परचेज ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग तो सेम होगी, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस कहाँ है? बस ओनरशिप का। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई। अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। अगर आपने हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपका एसेट उठा करके ले जाएंगे, उसको बोलते हैं रीपोजेशन, अपना सामान उठा करके वापस ले गए। तो अब हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? हायर परचेज की। हायर परचेज का मतलब ये है अगर आपने पेमेंट नहीं करी किसी भी इंस्टॉलमेंट की, तो सेलर अपना सामान उठा के ले जाएगा। इसलिए रोड पे जितने भी ई रिक्शा चलते हैं, जितने भी ई रिक्शा हैं, वो सारे हायर परचेज सिस्टम पे चलते हैं। वो जितने ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका सबका खुद का ई रिक्शा नहीं है, किराए पे ले रखा है उन्होंने। तो इसको जनरल पब्लिक तो यही बोलती है किराए पर है। अब वो किराया इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हो सकता है, हायर परचेज भी। जानने के लिए ये पूछना पड़ता है भैया अगर किराया नहीं दोगे तो क्या होगा? तो अगर वो कहेगा अगर हमने किराया नहीं दिया तो ये हमारा सामान ले जाएंगे, ये हमारा ई रिक्शा उठा के ले जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा अच्छा हायर परचेज है। या वो कहेगा अगर हमने किराया नहीं दिया तो वो कह रहा था तुम्हें हम कोर्ट में ले जाएंगे, तो समझ में आएगा कि अच्छा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है ये।
तो है किराया, मार्केट इसको बोलती है किराए पे एसेट लाए हैं हम, रेंट पे लाए हैं, किश्तों पे लाए हैं, हर महीने किश्त देनी पड़ती है। अब वो इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, हायर परचेज भी हो सकता है। तो हम लोग तो अभी कौन सी ट्रांजैक्शन करेंगे? हायर परचेज। तो एक बार जरा फिर से देखते हैं, श्रेयांश ने किया था ये हायर परचेज, और ये किसके साथ किया था? बीएमडब्ल्यू के सेलर के साथ। तो जो बंदा हायर परचेज पे सामान लाया, इसको हम बोलेंगे हायर परचेजर। जिसने सामान हायर परचेज पे बेचा, इसको बोलेंगे हायर वेंडर। बीएमडब्ल्यू जो श्रेयांश खरीदना चाहता था वो थी 60 लाख की। हमने कहा था हमारे पास तो आज 60 लाख है नहीं, हमारे पास तो कितने हैं? 15 लाख हैं। 15 लाख, 15 लाख आज ले लो, एसेट हमें दे दो। तो जो पैसा आपने आज दिया उसको हम क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। इसके बाद 15 लाख के बाद हमें अभी और, अच्छा 16 कर लेते हैं इसको हम, हमें अभी और देने हैं 44 लाख। तो सेलर ने हमें कहा था आप दोगे 2,02,000 हर महीने आने वाले 22 महीनों तक। तो जो अमाउंट हमें हर महीने देना है 2,02,000, इसको हम बोलते हैं हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। अब अगर हमने सारी इंस्टॉलमेंट दे दी, श्रेयांश ने कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उसने सारी इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आप ये बताओ श्रेयांश को ये बीएमडब्ल्यू कितने की पड़ी? अगर इसने सारी पेमेंट कर दी 22 महीने तक और ये गाड़ी हो गई इसकी, तो ये गाड़ी इसको कितने की पड़ी? 60 लाख, 44,000। कैसे निकाला? सबसे पहले तो दिए 16 लाख उसी समय, उसके बाद हमने दिए 2,02,000 रुपये 22 महीने तक। तो हमने तो टोटल पेमेंट कर दी है 60,44,000 की। इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, क्योंकि अगर हम गाड़ी हायर परचेज पे लेते हैं तो वो हमें हमेशा महंगी ही पड़ेगी ना, हमेशा महंगी पड़ेगी वो हमें, क्योंकि सेलर हमसे क्या ले लेगा? इंटरेस्ट। और अगर हम उसी समय खरीद लेते तो हमें वो सस्ती ही पड़ती। अगर हम उसी समय खरीद सकते तो हम 60 लाख रुपए देते, और इस अमाउंट को कहते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब हुआ प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मार्केट। भाई वो मार्केट में मिल कितने का रहा है? 60 लाख का मिल रहा है, दैट इज द कैश प्राइस। लेकिन हमें कितने का पड़ रहा है? 60,44 का, दैट इज द हायर परचेज प्राइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस? इंटरेस्ट।
तो हमारे इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पेड क्या हम कह सकते हैं 44,000। तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट 44,000। तो ये हमारी टर्म्स हैं हायर परचेज की। हायर परचेजर, हमने हायर परचेज पे सामान खरीदा। हायर वेंडर, जिसने हायर परचेज पे बेचा। कैश प्राइस, जितने रुपए का वो सामान मार्केट में मिल रहा है। डाउन पेमेंट, जितना आपने इमीडिएटली दिया। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जैसे 2,02,000 है, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 2,00,000 रुपए, वो हर महीने देना है, और इंटरेस्ट फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में सब में वेरिएबल होगा, परसेंटेज होगी, हम निकालेंगे इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस टोटल जो हमने पे कर दिया, कैश प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगा, और डिफरेंस होगा इंटरेस्ट। इस चैप्टर से पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो 8 मार्क्स के आते हैं या 5 मार्क्स के आते हैं। सिर्फ रिसेंटली अभी May 22 में 10 नंबर का आया था, अदरवाइज़ 8 का आ रहा है और 5 का आ रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स, अकाउंटिंग आप कीजिए हायर परचेजर की बुक्स में या हायर वेंडर की बुक्स में। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी पॉपुलर है पेपर के अंदर, ये आता है बेसिक कैलकुलेशन। इन सारी डिटेल्स में से वो कुछ डिटेल आपको देंगे, या तो वो बोलेंगे हायर परचेज प्राइस निकालो, या वो बोलेंगे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालो, इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो मतलब हमारी एक कैटेगरी क्वेश्चंस की यहाँ पर भी है कि वो सिर्फ प्राइसेस में आपको कैलकुलेशन करवा रहे हैं। उन्होंने कैश प्राइस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, कहेंगे हायर परचेज प्राइस निकालो, या उन्होंने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब आपको कह रहे हैं इंटरेस्ट निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक कैटेगरी है 5 मार्क्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरी कैटेगरी है 8 मार्क्स के अंदर। तो ये टर्म्स हमें क्लियर हैं अच्छे से। अब देखो, हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं हायर परचेज पे, वो हमेशा एसेट कैटेगरी में फॉल करेगा। आप चाहे आईफोन लीजिए, चाहे BMW लीजिए, या आप मार्केट में गए TV देखने के लिए, TV आपको जो पसंद आ गया वो 70,000 का है, जेब में आप लेके गए हो 20,000। सेलर ने समझ लिया और कह रहा है इस कस्टमर को तो बेचूंगा, और क्या सिस्टम बनाया, इंस्टॉलमेंट। और ये है विन विन सिचुएशन, दोनों का फायदा है, कस्टमर भी खुश है सामान मिल गया, सेलर भी खुश है उसकी सेल हो गई। तो ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें दोनों का जो है हमारा फायदा हो रहा है। तो एसेट आ रहा है, फ्रिज आ सकता है, TV आ सकता है, माइक्रोवेव आ सकता है, कुछ भी ला सकते हो आप, वो है कैटेगरी एसेट, और एसेट के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। अब हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफ़र कब होगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे हमारे इस केस में 2nd ईयर में ही हो गई, 2 ही साल लगे। अब लेकिन इसमें तो हो सकता है 4-5 साल भी हो, जितना बड़ा आपका एसेट है, बड़ा मतलब अमाउंट की टर्म्स में। 5 सालों तक इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 6 सालों तक हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर कौन लगाए? हायर परचेजर लगाए कि हायर वेंडर लगाए? क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहा है, हायर वेंडर ओनर है, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? हायर वेंडर के पास है।
तो आप लगाओ वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन पोजेशन किसके पास है? हायर परचेजर के पास है, तो हायर परचेजर लगाए वो भी एक ऑप्शन है। तो अब जब ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लगा सकते हैं, तो हम लोग आज ब्रेक के बाद वैसे पढ़ेंगे भी AS1। AS1 के अंदर ना एक शब्द आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। AS1 कहता है अकाउंटिंग में बहुत जगह हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाते हैं, मतलब हम अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करते हैं मेन बात को ध्यान में रखकर, बाकी बात को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर हायर परचेज के अंदर सब्सटेंस ओवर फॉर्म के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए डिसाइड किया गया है डेप्रिसिएशन हायर परचेजर लगाएगा। डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? हायर परचेजर, क्योंकि पोजेशन उसके पास है और हम कह रहे हैं पोजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए भी, हम ये मान के चलें तुम पेमेंट कर ही दोगे इंस्टॉलमेंट की, तो अल्टीमेटली ओनरशिप तुम्हारे पास ही आनी है ना, अल्टीमेटली तो तुम्हारा ही है ना ये एसेट, तो तुम आज से ही डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो। हम ये नहीं मान के चलते ना कि तुम डिफॉल्ट करोगे, हम ये मान के चलते हैं तुम एसेट आज इंस्टॉलमेंट पे लाए हो तो तुम सारे पेमेंट दोगे, तभी तो लाए हो। तो एसेट 2 साल बाद तुम्हारा होना है, फिर भी तुम डेप लगाओगे, आज से ही तुम क्या करो, तुम ही लगाना शुरू कर दो डेप्रिसिएशन। तो ओनरशिप हमारी नहीं है, फिर भी हम लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब होता है क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट। फॉर्म का मतलब होता है कंप्लीट या एक्चुअल। तो एक्चुअल असली बात तो ये है कि हम ओनरशिप नहीं है, हमारे पास ओनरशिप नहीं है, हम ओनर नहीं है, लेकिन क्रूशियल बात ये है कि तुम बन जाओगे ना ओनर, तुम ही तो बनने वाले हो ओनर इसके, तो तुम 2 साल बाद बनोगे, तुम आज से ही मान लो और डेप्रिसिएशन तुम लगा लो। तो डेप्रिसिएशन लगेगी हायर परचेजर की बुक्स में। ठीक है, इतना क्लियर। अब ज़रा बुक्स खोलते हैं, हायर परचेज चैप्टर पेज 52, पेज नंबर 52 पर यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी आ रही है, ये एक बार आप रीड आउट कर लो पूरा पेज, पेज 52। समझ हमने लिया है, एक बार आप इसको पढ़ लो।
हाँ जी पढ़ लिया। अब पता है क्या हुआ, कोई एब्सेंट था लास्ट क्लास में, उसे लास्ट क्लास में सलीम एब्सेंट था। अच्छा सलीम ना एब्सेंट था लास्ट क्लास में, तो इसने ना गणेश से कहा कि मुझे ना अपना रजिस्टर दे दे अकाउंट्स का, लास्ट क्लास में जो है मैं लिख लूँगा। गणेश ने इसको रजिस्टर दे दिया। गणेश तुम इसको रजिस्टर देते हुए कुछ कहोगे, दे दोगे है ना? कह रहा नहीं दे दूंगा मैं तो। आप जो अपनी फ्रेंड को रजिस्टर देते हो तो चुपचाप दे देते हो ना, या आप उसको कुछ कहते हो? नहीं, आपने रजिस्टर दे दिया। अब जब अगले दिन सलीम वापस लाया रजिस्टर गणेश का, तो गणेश ने क्या देखा कि इस रजिस्टर पे ना सब्जी के दाग लगे हुए हैं। ठीक है, और उस रजिस्टर पे सब्जी के दाग लगे हुए हैं, तो गणेश को बड़ा गुस्सा आया। गणेश ने सलीम से कहा कि तू ये क्या करके लाया, तू मेरा सारा रजिस्टर खराब करके लाया। तो सलीम ने कहा यार खाना खा रहा था, गिर गया। मतलब सलीम को कुछ है ही नहीं कि मेरी कोई गलती है, उसने कहा खाना खा रहा था गिर गया यार, तो क्या हो गया? तो गणेश ने कहा कि ये यार ये क्या बात होती है, मैंने तुझे रजिस्टर दिया था तो तुझे संभालना चाहिए था। तो सलीम ने कहा तूने मुझे कोई बोला था रजिस्टर देते समय कि संभाल के रखना है, इस पे सब्जी नहीं गिरानी, इसके पेपर नहीं फटे होने चाहिए, जिस हालत में ले जा रहा है उसी हालत में लेकर आई हो, क्या तूने ये सब बोला था? गणेश ने कहा नहीं। तो सलीम ने कहा तो लॉ पढ़ रहे हैं ना हम, तो तुझे पता होना चाहिए, तूने बोला ही नहीं तो बात ही ख़त्म। तो गणेश ने कहा लॉ पढ़ रहे हैं ना हम, तो कोई अजम्पशन नाम की भी चीज़ होती है उसके अंदर, होती है कि नहीं होती? आप किसी का सामान लेके जा रहे हो तो वो बंदा बोलेगा थोड़ी संभाल के रखो, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको संभाल के रखो, क्योंकि आपके पास किसी और का सामान है। ड्राई क्लीनर को आपने ड्राई क्लीन के लिए कपड़े दिए, वो जला करके ले आया, ठीक है? आप कह रहे हो ये क्या किया, भैया खराब हो गया। आपने कहा भैया आपको कपड़े दिए हैं तो आपको संभाल के रखने चाहिए ना, प्रेस वाले को दिया वो जला के ले आया। अरे भाई हमारा सामान तेरे पास है, संभाल के रख। तो अब आपके पास हायर वेंडर का सामान है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते संभाल के रखोगे कि नहीं? संभाल के तो रखोगे, लेकिन मान लो आप वो जो BMW लाए हो हायर परचेज पे, उसका एक्सीडेंट हो जाए, मान लो इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, तो ये नुकसान कौन भरेगा? आपके वेंडर, वेंडर ओनरशिप उसकी है ना। आपका क्या, आप तो बोल दो कि मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। तो अगर हायर परचेज पे आप सामान लाए और उसमें कुछ नुकसान हुआ, तो वो ड्यूटी, वो जो डैमेज है वो कौन बियर करेगा? हायर वेंडर। तो सलीम तो बोल देगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हायर परचेजर हायर वेंडर को क्या बोलेगा? भाई इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको बियर कौन करेगा? तुम करोगे, हायर वेंडर। हायर वेंडर ने पूछा गाड़ी चला कौन रहा था? तो सलीम ने कहा मेरा फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड? तुम ऐसे फ्रेंड को दे देते हो गाड़ी चलाने के लिए? सलीम ने कहा हाँ हमारी तो अच्छी दोस्ती है, और लड़कों के वैसे भी दोस्त नहीं होते, भाई होते हैं। सलीम ने कहा मैंने तो भाई को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए। हायर वेंडर ने कहा तुम्हारे भाई के पास लाइसेंस था? सलीम ने कहा लाइसेंस तो नहीं था। अब कौन भरेगा नुकसान? अब सलीम भरेगा नुकसान। तो देखो वैसे नुकसान हायर वेंडर का है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या है? आप उसके सामान की उतनी केयर करोगे जितनी आप अपने सामान की करते। हायर परचेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स कैन नॉट डैमेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज और हदी कर दी सेल सच गुड्स।
BMW लाके आपने आगे 60 लाख में बेच दी, कमाल है। खुद ओनर होनी और आगे तुम बेच रहे हो, ऐसे कोई भी फालतू के काम आप नहीं करेंगे। ही सपोज टू टेक ऑल सच केयर ऑफ गुड्स एज अ प्रूडेंट पर्सन डज फॉर हिज ओन गुड्स। मतलब सलीम को रजिस्टर वापस कैसे करना है, सही सलामत बिना सब्जी के दाग के, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा रजिस्टर सही सलामत वापस करेंगे। तो अगर आपने ड्यू केयर एक्सरसाइज करी है तो नुकसान हायर वेंडर बियर करेगा, अगर आपकी गलती है तो फिर आप बियर करोगे। बेलर बेली का नॉर्मल लॉ यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। अब गलती किसकी है वो तो कैसे पता चलेगा, वो उसके लिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो एक बार तो केस होगा। हायर वेंडर कहेगा तुम्हारी गलती, हायर परचेजर कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है, तो कोर्ट में केस होगा, फिर प्रूफ होगा, फिर जिसकी गलती है वो बियर करेगा डैमेज। अब जैसे बहुत बार होता है इंश्योरेंस कंपनी से आपने लाइफ इंश्योरेंस ली, अगले दिन आपने सुसाइड कर लिया तो क्यों, अब किसी के मन में चल रहा है कि फैमिली की हालत खराब है, छोड़ मैं चला जाता हूँ, पीछे इनका सुधर जाएगा, मैं जा रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस लेके, अगले दिन सुसाइड, तो क्या आपको क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसमें लिखा भी होता है कि सुसाइड के केस में क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये लॉ एक बेसिक है जो हर जगह लगता है, ठीक है। उसके बाद अंडर हायर परचेज बोथ दी पार्टीज गेन, ये एक विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को, परचेजर को एसेट मिल जाता है बिना पेमेंट किए, और सेलर की सेल बढ़ जाती है और उसको इंटरेस्ट से इनकम भी हो जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर कह रहे हैं हायरर, हायरर मतलब जो BMW लाया, ही हैज अ राइट टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एट एनी टाइम। मतलब श्रेयांश खुद जाके बोल सकता है उनको कि ये लो अपनी गाड़ी ले लो, अब नहीं दे सकता मैं इंस्टॉलमेंट, मैंने जिसको शो ऑफ करना था कर दिया है, ये लो वापस अपनी गाड़ी। हम चाहें तो खुद भी जाके बोल सकते हैं कि अब हम और इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, आप अपनी गाड़ी वापस ले लीजिए, लेकिन हम ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम में नहीं बोल सकते। वो नहीं लेगा गाड़ी वापस, वो पैसे ही लेगा। हायर परचेज के केस में ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब आपने मान लो 10 महीने के बाद 11वें महीने में पेमेंट नहीं करी थी तो आपने एसेट वापस कर दिया, तो जो 10 महीने पे किया था वो पैसा मिल जाएगा? नहीं, क्या आपने गाड़ी तो यूज़ करी है ना 10 महीने, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल जैसे शेयर फोरफीचर होता है कि हमने आपके शेयर फोरफीट कर लिए लेकिन जो पैसा लिया था वो हम वापस नहीं करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हायरर कैन नॉट रिकवर दी सम्स ऑलरेडी पेड। डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू हायर परचेजर, इसके आगे आप लिख लो ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। डेप्रिसिएशन हायर परचेजर लगाएगा, उसका एक तो कारण है सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो अकाउंट्स की तरफ से आया है। इसका एक कारण और है, ये बात हायर परचेज एक्ट में लिखी हुई है और हमारे मॉड्यूल में जगह जगह रेफरेंस भी है इस हायर परचेज एक्ट का, लेकिन ये एक्ट बनने के बाद कभी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। मतलब मान लो मम्मा ने आपके लिए बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, ठीक है, लेकिन आप क्लास के बाद पार्टी करने चले गए। अब आप घर गए तो मम्मी ने कहा कि मैंने तो आज शाही पनीर बनाया है, आपने कहा लेकिन अब तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है और आपने नहीं खाया, तो सब्जी बनी तो थी पर क्या आपने खाई? नहीं, ये एक्ट बना तो था, लेकिन इस हर एक्ट के बनने के बाद ना उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट आती है। इसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि डेट ही नहीं आई वो,
तो ये एक्ट बना हुआ है लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। तो वैसे हमारे मॉड्यूल में इसका रेफरेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन है इसका रेफरेंस जगह जगह। तो ये बात उस एक्ट में भी लिखी हुई है। तो लेकिन अब वो तो एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। तो मेजर बात ये है, हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से डेप्रिसिएशन परचेजर की बुक्स में लगा रहे हैं। टर्म सारी क्लियर है। आगे आते हैं अकाउंटिंग पर। पहले ज़रा बुक में से पढ़ते हैं, फिर रजिस्टर में भी लिखेंगे हम जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और हम किसकी बुक्स में देखेंगे? हायर परचेजर। दोनों की बुक्स में हम अकाउंटिंग देखेंगे। जिसने बेचा वो क्या करेगा, जिसने खरीदा वो क्या करेगा। दोनों के लिए दो दो मेथड्स अवेलेबल है। हायर वेंडर सेल मेथड भी लगा सकता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी लगा सकता है, और हायर परचेजर अगले से अगले पेज पर आप देखोगे, हायर परचेजर इसके पास भी दो मेथड हैं, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हायर वेंडर के पास भी दो मेथड हैं, सेल प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस। हायर परचेजर के पास भी दो मेथड हैं, कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस एक तरीके से है और सेल प्राइस और कैश प्राइस वो एक तरीके से है। इंटरेस्ट सस्पेंस का दोनों में ही नाम इंटरेस्ट सस्पेंस है, और पहले वाले का वेंडर के लिए सेल प्राइस, परचेजर के लिए कैश प्राइस। तो वेंडर का देखते हैं हम सेल प्राइस मेथड। अब आप बताओ क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री सेलर की बुक्स में, डेटर टू सेल, सबको पता है डेटर टू सेल। इधर देखो जरा, हायर परचेज सेल की एंट्री, हायर परचेजर टू हायर परचेज सेल, डेटर की जगह हायर परचेजर आ गया। डेटर और हायर परचेजर में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ, डेटर से तो हम कुछ पैसे नहीं लेते, उसको क्रेडिट दे देते हैं। डेटर के साथ ऐसे नहीं होता कि तू कुछ पैसे तो अभी रख, बाकी बाद में दियो। उसका सिस्टम ये है, तू कोई पैसे मत रख अभी, ले जा सामान 2 महीने बाद दे दियो। लेकिन हायर परचेजर कुछ पैसे अभी रख। तो क्रेडिट सेल में और हायर परचेज में ये डिफरेंस है कि क्रेडिट सेल में आप कोई पैसे नहीं रखवाओगे, आप बोलोगे सीधा सामान ले जाओ, क्रेडिट पर है, 2 महीने बाद दे दे, 3 महीने बाद दे दे। रीज़न, अमाउंट कम होता है ना, छोटा होता है। हायर परचेज के केस में आप पैसे रखवाओगे। तो डेटर ना होकर हायर परचेजर आ गया, और ये जो बंदा है ये नॉर्मल सेल भी कर रहा है ना बिजनेस में, तो जो हायर परचेज सेल करी है उसका नाम अलग से हमने क्या लिख दिया, हायर परचेज सेल। तो अभी मैं रजिस्टर में लिखवाऊंगी, तो आप लोग खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी एक बार पढ़ लो। जब सामान बेचा, हायर परचेजर टू हायर परचेज सेल। सामान बेचते ही पहली पेमेंट आ गई, कौन सी? डाउन पेमेंट। सेलर ने रिसीव करी, क्या एंट्री बनाएगा? बैंक टू हायर परचेजर। ये देखो सेकंड एंट्री, बैंक टू हायर परचेजर। इसके बाद क्या होना है? अब इंस्टॉलमेंट आएगी। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ आएगी। पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लो, इंटरेस्ट ड्यू करो। सेलर के लिए इंटरेस्ट फायदा के नुकसान? फायदा। तो सेलर क्या करने वाला है? टू इंटरेस्ट। डेबिट किसे करेंगे? हायर परचेजर। फिर इंस्टॉलमेंट आ गई, बैंक टू हायर परचेजर। फिर इस इंटरेस्ट को कहाँ ले गए? पी एंड एल में, इंटरेस्ट टू पी एंड एल। और लास्ट में इस सेल को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस की सेल तो सारी ट्रेडिंग के अंदर ही है, तो हायर परचेज सेल भी वहीं पर जाएगी। ये हमारी है हायर वेंडर की बुक्स। कौन से मेथड से? सेल प्राइस से। अब इसी मेथड से देखते हैं हायर परचेजर की बुक्स।
पेज 55 पे हमने एसेट क्रेडिट पे खरीदा तो क्या एंट्री बनाते हैं? एसेट टू क्रेडिटर्स. अब हमने हायर परचेज पे खरीदा, एसेट टू हायर वेंडर. क्रेडिटर्स की जगह नाम आ गया हायर वेंडर. जैसे ही खरीदा वैसी डाउन पेमेंट देंगे, क्या एंट्री? हायर वेंडर टू बैंक. उसके बाद हम भी इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, हमारे लिए नुकसान है, इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर. फिर इंस्टॉलमेंट पे करी, हायर वेंडर टू बैंक. फिर हम लगाने वाले हैं डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कैसे? डेप्रिसिएशन टू एसेट और लास्ट में P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन. आसानी है एंट्री, मुश्किल नहीं है. एक बार फिर से देखते हैं. हायर वेंडर सामान लाने पे कर रहा है हायर परचेजर टू हायर परचेज सेल्स. हायर परचेजर क्या कर रहा है? एसेट टू हायर वेंडर. वो करेगा एसेट टू हायर वेंडर, सेलर करेगा हायर परचेजर टू HP सेल्स. डाउन पेमेंट पर सेलर बैंक टू हायर परचेजर और परचेजर हायर वेंडर टू बैंक. फिर इंटरेस्ट ड्यू किया, सेलर ने किया हायर परचेजर टू इंटरेस्ट. यस, परचेजर करेगा इंटरेस्ट टू हायर वेंडर. फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हुई, सेलर ने बैंक टू हायर परचेजर, हायर परचेजर हायर वेंडर टू बैंक. फिर इंटरेस्ट टू P&L. उधर देखें तो वो करेगा P&L टू इंटरेस्ट. लास्ट में ये सेल्स ट्रांसफर करेगा और परचेजर डेप्रिसिएशन लगाएगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट. और परचेजर फिर ये डेप्रिसिएशन भी P&L में ले जाएगा. आसान है, अब रजिस्टर में लिखते हैं तो पक्का पक्का याद हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल माइंड में चली जाएंगी एंट्रीज. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख रहे हैं हम. तीन कॉलम्स बनाएंगे, ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड बुक्स ऑफ हायर वेंडर. मेथड का नाम हायर वेंडर के लिए सेल प्राइस मेथड, और हायर परचेजर के लिए कैश प्राइस मेथड. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज. गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, हायर परचेजर करेगा एसेट डेबिट. टू हायर वेंडर.
और हायर वेंडर करेगा हायर परचेजर टू हायर परचेज सेल्स। अगर क्वेश्चन में नाम होगा, जो कि हमेशा होगा क्वेश्चन के अंदर नाम, किस पर्सन ने किसको सामान बेचा है, तो हम फिर हायर परचेजर नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे, और हायर वेंडर नहीं लिखेंगे, हम नेम लिखेंगे, हम जो भी हमारा हायर वेंडर है। सेकेंड ट्रांजेक्शन डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट हायर परचेजर पे करेगा हायर वेंडर टू बैंक। तो नेक्स्ट एंट्री से हम एच वी लिख लेंगे, हायर वेंडर टू बैंक। और हायर वेंडर रिसीव करेगा तो बैंक टू हायर परचेजर। थर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन भी बता सकते हो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब तो हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट नुकसान है, तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, बहुत इजी एंट्रीज है। और हायर वेंडर के लिए हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, तो हायर परचेजर तो पे करेगा इंस्टॉलमेंट, तो क्या करेगा, हायर वेंडर टू बैंक। और हायर वेंडर बैंक टू हायर परचेजर। उसके बाद नेक्स्ट, पहले हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। हायर परचेजर लगाएगा अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन टू एसेट। हायर वेंडर नहीं लगाएगा। अच्छा, ये जो हायर परचेजर डेप्रिसिएशन लगाएगा, अगर आईसीएआई को क्वेश्चन इजी लग रखना है तो ये बंदा डेप्रिसिएशन लगाएगा बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाना है तो ये पर्सन डेप्रिसिएशन लगाएगा थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके केस पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन ये लगा सकता है। नेक्स्ट, चार्जिंग टू पी एंड एल।
ईयर एंड में पीएनएल में ले जाते हैं। तो हायर परचेजर के पास दो चीज़ें हैं ले जाने के लिए, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। हायर वेंडर के लिए एक ही चीज़ है, इंटरेस्ट टू पीएनएल। और लास्ट ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेजर नहीं करेगा, वेंडर करेगा, एचपी सेल्स टू ट्रेडिंग। ठीक है, आसान है जनरल एंट्रीज। तो एक क्वेश्चन अब हम करते हैं इस पे, जिसमें दोनों की बुक्स में जनरल एंट्रीज बनाएंगे। चलिए इस पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हायर परचेज पे। ये क्वेश्चन हम पहले लिखेंगे रजिस्टर में, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स परचेज्ड थ्री व्हीकल्स ऑन 1 अप्रैल 2019। From ABC Limited, under hire purchase agreement, cash price of each vehicle is 4 lakh rupees, and interest is charged 10% per annum. Down payment is 1 lakh per vehicle. And remaining amount has been paid in annual installment of ₹1 lakh each bracket में लिखेंगे per vehicle along with interest. Depreciation is charged at
10% पर एनम बाय WDV। कैलकुलेट हायर परचेज प्राइस एंड टोटल इंटरेस्ट। Also prepare journal entries and relevant ledger accounts in the books of hire vendor and hire purchaser by sale price and cash price method. क्योंकि हायर परचेज में मेथड हमारे दो हैं, तो मेथड हमेशा आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमेशा, कि आपको इंटरेस्ट सस्पेंस फॉलो करना है या आपको सेल प्राइस या कैश प्राइस। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना हो तो ये सिस्टम है, व्हीकल्स डाल दो 3 और इन्फॉर्मेशन दे दो पर व्हीकल। हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो सकती है। तो चलो सबसे पहले तो हम प्राइस निकालते हैं, हायर परचेज प्राइस और टोटल इंटरेस्ट, फिर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या अमाउंट्स अवेलेबल हैं? कैश प्राइस ऑफ ईच व्हीकल 4 लाख। तो हम अगर 3 व्हीकल्स खरीद रहे हैं तो हमारे लिए तो सारी कैलकुलेशन इनटू 3 के अमाउंट से हम करेंगे। तो हम कह सकते हैं रेलेवेंट कैश प्राइस हमारे लिए हो जाएगा 12 लाख। कैश प्राइस क्या था, कौन सा अमाउंट था? अगर आज मार्केट से खरीदते तो इतने में मिल जाता, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के। तो सबसे पहले कैश प्राइस हमारे पास है 12 लाख। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड डाउन पेमेंट इज 1 लाख पर व्हीकल। तो हमारी डाउन पेमेंट हो गई 3 लाख। डाउन पेमेंट के बाद हमें अमाउंट गिवन है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख ईच अलोंग विद इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट आप इसमें ऐड कर देना। ये जो हमने 1 लाख आपको बताया है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये भी देंगे और इंटरेस्ट भी हम देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अमाउंट पेबल कितना है हमारा विदाउट इंटरेस्ट। तो अमाउंट पेबल हमारा है 9 लाख और हम लोग इंटरेस्ट भी पे करेंगे 10% पर एनम की रेट पर। और जो इंस्टॉलमेंट है वो एनुअल है, तो हमने एसेट लिया 1 अप्रैल 2019 को, तो इसके हिसाब से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किस दिन बनेगी? 31 मार्च 20 को। आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है मतलब ईयरली, तो 1 अप्रैल को आपने डाउन पेमेंट कर दिया है,
तो पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 31 मार्च 2020 को। तो हमें इंस्टॉलमेंट के पहले हम अमाउंट्स निकाल लेते हैं, तो फिर हमें हायर परचेज प्राइस मिल जाएगा। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख ईच है, तो वो तो एक गाड़ी का, तो 3 गाड़ी का 3 लाख हो गया। तो हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट बनती है 3 लाख की। इसको हम हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें फिर इंटरेस्ट आपका इंक्लूडेड होता है। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, कैश प्राइस गिवन है 12 लाख, डाउन पेमेंट गिवन है 3 लाख। तो अगर हमने 12 में से 3 पे कर दिया तो बच गया 9। अब 9 लाख को ये कह रहे हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट 3 लाख है, तो हम कितने सालों में दे देंगे इसे? 3 सालों में हम इसकी पेमेंट कर देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी 31 मार्च 2020 को बनेगी, वो होगी 3 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम 10% किस अमाउंट पे? 9 लाख पर। यस, वेरी गुड। तो देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हम देंगे 31 मार्च 2020 को, मीन वाइल हम लोग इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, समझने पे कर रहे हैं अभी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम 31 मार्च 2020 को देंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें मिल गया है, 3 लाख रुपए है हर इंस्टॉलमेंट का, और हम देंगे 3 बारी में 3 3 3। इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट 10% का रेट, पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा? अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे। तो हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग 9 लाख है, बिल्कुल जैसे हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो हमें 9 लाख रुपए अभी देने हैं, तो हम पहला इंटरेस्ट इस पे देंगे, तो 9 लाख का 10%। तो 10% आपका लगेगा उस अमाउंट पर जो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब हमारी पहली इंस्टॉलमेंट बनती है 3,90,000 रुपए की। पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, लास्ट का सबसे कम होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती है 390 की, तो हमने 31 मार्च 2020 को 3,90,000 दे दिए, 3 लाख प्रिंसिपल का और 90,000 इंटरेस्ट का। अब देखते हैं अगली इंस्टॉलमेंट पे कितना देंगे। यस, वेरी गुड, 3,60,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि हम पे करेंगे 31 मार्च 2021 को, अगेन सिस्टम है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड है 3 लाख, प्लस इंटरेस्ट निकलेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, तो इस बार आउटस्टैंडिंग है 6 लाख।
क्योंकि हमने पिछले साल 3 और दे दिया तो हमारा आउटस्टैंडिंग है 6 लाख. 6 लाख पर हम देंगे 10%. तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3,60,000 की. अब देखते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड लास्ट, 3,30,000. यस, इकतीस मार्च 22 को हम देंगे. प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख प्लस इंटरेस्ट. अब सिर्फ 3 लाख का अमाउंट रह गया है. 9 में से पहले 3 दिए थे, फिर और 3 दे दिए, अब सिर्फ 3 बचा. तो 3 लाख पर 10%, लास्ट इंस्टॉलमेंट 3,30,000. सारी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट आ गया. देखते हैं टोटल इंटरेस्ट, 1,80,000. टोटल इंटरेस्ट जो हमने दिया है पहली इंस्टॉलमेंट पे 90,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 60,000 और तीसरी इंस्टॉलमेंट में 30,000, 1,80,000. अब देखते हैं हायर परचेज प्राइस. हायर परचेज प्राइस क्या होगा? 13,80,000. यस, हायर परचेज प्राइस दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला तरीका है कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट. पहला तरीका कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट. कैश प्राइस हमें गिवन था 12 लाख, टोटल इंटरेस्ट हमने निकाला 1,80,000, तो ये 13,80,000. दूसरा तरीका, सारी इंस्टॉलमेंट का सम. सबसे पहले डाउन पेमेंट प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट. डाउन पेमेंट हमारी गई थी 3 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 390, देन 360 एंड 330. ये भी कितना आएगा? 1,380. तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं हायर परचेज प्राइस, या तो डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, या फिर कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट. बताइए, क्लियर? और मान लो अगर हायर परचेज प्राइस पर व्हीकल पूछते, हाँ तो इजी है, जस्ट डिवाइडेड बाय 3, 4,60,000.
तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बस इतना पूछेंगे, कैलकुलेट हायर परचेज प्राइस, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। और अगर 8 मार्क्स का आएगा तो जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स पूछेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज पहले किसकी बुक्स में, जो तुम कहो। हायर परचेजर, वेंडर। चलो आज हमने सलीम पे काफ़ी एग्जांपल लिए थे, सलीम की बात मानेंगे, पहले बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, यानी कि हायर वेंडर हमारे यहाँ पर है एबीसी लिमिटेड। मेथड हम ले रहे हैं सेल प्राइस मेथड। कितने कॉलम्स बनाएंगे? 5। अमन कितने कॉलम्स बनाएंगे? हाँ 5। और तुम कॉलम्स बना रहे हो रजिस्टर में, तो पेपर में क्यों नहीं बनाए? हाँ मैं समझा समझा के थक गई, मैं सारे क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ फॉर्मेट से कि पहले तुम लोग लाइंस डालो, और तुमने पेपर में नहीं डाली। इसी बार नहीं डाली कि कभी नहीं डाल रहे? हाँ लाइंस, लाइंस तो आप ये देखो, इसलिए तुम्हें बोलते हैं नादान परिंदे, नादान परिंदे हो तुम सब। मैं इतनी लाइंस डलवा डलवा के थक गई, और ये कह रहा है टाइम मिलता है तो मैं लाइंस डाल देता हूँ। लाइन सबसे पहले डलेगी, अदरवाइज आपका जर्नल आएगा ही नहीं, सारा अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा, पेपर प्रेजेंटेशन पूरा ख़राब हो जाएगी। इतनी मैंने तुम लोगों को लाइन मारनी सिखाई है, फिर भी तुमने नहीं सीखी। अगर अमन अगली बार तुम्हारे पेपर में लाइन नहीं हुई ना, तो मैं छोटे बच्चों की तरह 10-10 पेज तुम सिर्फ लाइन्स डालोगे। जिसके पेपर में लाइन नहीं हुई ना अगली बार, वो यही काम करेगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इस बार का पेपर डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि हमारा काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन हमें करनी है। तो जैसे आप सब हैरान हो गए हो कि अच्छा अमन के 58 हैं, तो आप ये सोचो कि आप सबको भी कितनी तैयारी की ज़रूरत अभी होगी वो 3 घंटे हैंडल करने के लिए। तो इससे अगला कोई भी मौका किसी भी टेस्ट का छोड़ना नहीं, ठीक है। और 58 मार्क्स ही आए, क्योंकि पेपर में मिस्टेक्स बहुत हो गई हैं। जब सिलेबस ज़्यादा होता है ना, तो ये गलतियाँ होती हैं, इसीलिए ज़्यादा सिलेबस पर टेस्ट देना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इतनी सब चीज़ों को माइंड में रखना ना आसान नहीं है। इतनी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स माइंड में रखना बहुत मुश्किल है। तो CA में तो सबसे बड़ा चैलेंज ही है ना, अब पूरा लॉ याद रखना है, पूरा टैक्स याद रखना है, पूरा GST याद रखना है, सारा कॉस्टिंग याद रखना है, सारा अकाउंट्स याद रखना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही आएगा। तो चलो अमन के 58 मार्क्स ने तुम लोगों को झटका तो दिया, उससे ज़्यादा तुम सबको मिला है। तो प्लीज़ इस बात को समझना, बड़ा ज़रूरी है पेपर देना, अगली बार से कोई पेपर मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं। मुझे तो झटका लगा था ये देखकर कि आपने फॉर्मेट्स क्यों नहीं बनाए हैं, लाइंस क्यों नहीं ड्रॉ की हैं आपने। जिस भी चीज़ पे हम क्लास में टाइम लगाते हैं ना, वो बड़ी ज़रूरी है। अब इसमें हम लोग किस ईयर तक जर्नल एंट्रीज बनाए, क्वेश्चन ने कोई ईयर दिया नहीं है,
तो लास्ट तक बनानी है, 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट करके लास्ट इंस्टॉलमेंट तक सारी जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 19 हम हैं हायर वेंडर की बुक्स में, इसने सामान बेचा है, ये बनाएगा हायर परचेजर टू हायर परचेज सेल्स, तो एक्स एक्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। नरेशंस इस चैप्टर की बहुत आसान है, बिल्कुल आप लोगों वाली है। आप बनाते तो क्या बनाते? बीइंग गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, बिल्कुल यही नरेशन है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, और यहाँ पर हम सिर्फ कैश प्राइस लिखेंगे, इंटरेस्ट वाला फैक्टर नहीं। तो यहाँ पर कैश प्राइस आएगा यानी कि 12 लाख। क्योंकि इंटरेस्ट हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो आपने सामान बेचा है तो इंटरेस्ट अलग जाएगा, सेल प्राइस ही यहाँ पर रहेगा विच इज 12 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आएगी डाउन पेमेंट उसी दिन जिस दिन सेल किया, तो 1 अप्रैल को ही डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, डाउन पेमेंट हमारी थी 3 लाख की। बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, उसके बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। किस दिन? लास्ट डे ही, 31 मार्च 20। तो फाइनेंशियल ईयर है इसलिए 31 मार्च 20। इंटरेस्ट वेंडर के लिए इनकम है तो एक्स अकाउंट टू इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 90,000, कैलकुलेशन हम कर ही चुके हैं, तो 90,000 का अमाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, यस। उसके बाद सेम डेट पर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे बैंक टू एक्स। थ्री लाख 90,000। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, उसके बाद इस इंटरेस्ट को ले जाएंगे पीएनएल में। इनकम है इसलिए इंटरेस्ट टू पीएनएल।
90,000। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। लास्ट में सेल्स को ट्रेडिंग में डालेंगे, HP सेल्स टू ट्रेडिंग। किस अमाउंट से? पूरे 12,00,000 से। अब जैसे हम लोग क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग में दिखा देते हैं जबकि पैसा तो आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी वो इशू नहीं है कि पैसा तो आया ही नहीं अभी। पैसा आता रहेगा, हमारा बेसिस अक्रूअल बेसिस है, तो पैसा नहीं भी आया कोई बात नहीं। ट्रेडिंग में सेल कितनी जाएगी? 12,00,000 की। तो बीइंग सेल्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस दिन बनाएंगे? अब 31 मार्च 2021। तो 1920 की एंट्रीज ख़त्म, 2021 पे आ गए हम, 31 मार्च 2021। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू, एक्स टू इंटरेस्ट, अमाउंट हमारा 60,000। नरेशन अब नहीं लिखते, सेम है नरेशन, मतलब पेपर में लिख देना, अभी नहीं लिख रहे। इंटरेस्ट ड्यू किया और इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे बैंक 2x। ₹360 और P&L में ट्रांसफर करेंगे। बस 3 ही एंट्री होंगी अगले साल और ऐसे ही 31 मार्च 2022 को। एक्स टू इंटरेस्ट 30,000, 30 आ रहा था ना, बैंक 2x 330, इंटरेस्ट 2 P&L 30। उसके बाद हमें बनाने हैं रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स। तो ये तो बताया नहीं कि कौन कौन से लेजर अकाउंट।
तो जर्नल एंट्री से देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हमने बनाई सेल की, एक्स टू हायर परचेज सेल्स। तो एक तो एक्स का अकाउंट आ रहा है, एक हायर परचेज सेल्स अकाउंट आ रहा है। अगली एंट्री बैंक टू एक्स, एक्स का अकाउंट आ गया, बैंक का अकाउंट आ रहा है। बैंक का अकाउंट हम यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है बैंक की, तो बैंक छोड़ देंगे हम नहीं बनाएंगे। तो हायर परचेज सेल्स और हायर परचेजर। अगली एंट्री एक्स टू इंटरेस्ट, एक्स का अकाउंट बना दिया, इंटरेस्ट बनाएंगे। फिर बैंक टू एक्स, बैंक छोड़ दिया, एक्स बनाएंगे। इंटरेस्ट टू पी एंड एल, पी एंड एल छोड़ दिया, इंटरेस्ट बनाएंगे। देन हायर परचेज सेल्स टू ट्रेडिंग, हायर परचेज सेल्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे। एक्स टू इंटरेस्ट दोनों बनाएंगे, बैंक टू एक्स बैंक छोड़ दिया, इंटरेस्ट टू पी एंड एल, पी एंड एल छोड़ दिया। मतलब तीन अकाउंट हम बनाएंगे, एक्स का, इंटरेस्ट का और हायर परचेज सेल का। ठीक है, तो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। हायर परचेज सेल छोटा सा है, बाकी दोनों बड़े हैं। डेट का कॉलम हमें चाहिए होगा। बैंक में ना इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं हमारे पास, नहीं, जिसमें आपका सिर्फ एक एक हिस्सा होता है। जैसे पी एंड एल में अब बस इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में सिर्फ ये सेल्स है, बाकी कुछ नहीं है, तो वो हटा दिया। तो तुम्हें सिर्फ बाकी बनाने हैं जो रेलेवेंट टू हायर परचेज ट्रांजैक्शन है, इसलिए नहीं बनाएंगे। डेट का कॉलम ले लेना, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। हमेशा ध्यान लेजर फोलियो रहता है। तो लेजर अकाउंट स्टार्ट करेंगे हम जनरल एंट्री के बेसिस पे। फर्स्ट अप्रैल 19 को हम डाल रहे हैं एक्स टू हायर परचेज सेल्स 12 लाख। तो दोनों अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। तो एक्स के अकाउंट में फर्स्ट अप्रैल 19 टू हायर परचेज सेल्स। एक्स टू हायर परचेज सेल्स और हायर परचेज सेल्स अकाउंट में फर्स्ट अप्रैल 19 बाय एक्स। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अगली एंट्री हमने सेम डेट पर बनाई डाउन पेमेंट की।
डाउन पेमेंट की एंट्री हमने बनाई बैंक टू एक्स, तो एक्स के अकाउंट में बाय बैंक। अमाउंट हमारा था 3 लाख। फिर उसके बाद अगली एंट्री एक्स टू इंटरेस्ट 31 मार्च 20 को, एक्स टू इंटरेस्ट, तो एक्स के अकाउंट में टू इंटरेस्ट तो 31 मार्च 20 को हम लिख रहे थे एक्स टू इंटरेस्ट 90। फिर 31 मार्च 20 को अगली एंट्री इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की बैंक टू एक्स 390, तो 31 मार्च 20 बाय बैंक 390। और एक्स टू इंटरेस्ट वाला है इंटरेस्ट अकाउंट में भी ले जाना है 31 मार्च 20, एक्स टू इंटरेस्ट किया था तो इंटरेस्ट में बाय एक्स 90,000। फिर हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव करी बैंक टू एक्स। फिर अगली एंट्री इंटरेस्ट टू पी एंड एल, तो इंटरेस्ट अकाउंट में 2 P&L। ठीक चल रहा है। और उसके बाद लास्ट क्या किया, हायर परचेज सेल्स टू ट्रेडिंग, तो 31 मार्च 20 हायर परचेज सेल्स टू ट्रेडिंग। कहाँ अटक गए आप दोनों, कोई डाउट? इसके बाद देखो अगली एंट्री किस दिन है, अब नेक्स्ट ईयर है, हम लोग लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं, ईयर फिनिश अकाउंट्स को क्लोज करेंगे पहले। तो यहाँ पर हायर परचेज सेल्स अकाउंट टैली हो गया है, क्लोज हो गया है, एक्स के अकाउंट में बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्यों, क्योंकि इन अ वे ये हमारे डेटर है ना, हायर परचेजर, इनसे पैसा आना भी बाकी है। तो देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 6 लाख। क्या 6 लाख ही आनी चाहिए? हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने अलग कर रखा है, तो पे प्रिंसिपल अमाउंट इनका कितना पेंडिंग रह गया है अब, 6 लाख। इंटरेस्ट अकाउंट देखें क्लोज है, तो फर्स्ट ईयर क्लोज है। अब अगले साल पे आते हैं 31 मार्च 21, पहली एंट्री हमने बनाई एक्स टू इंटरेस्ट 60,000 से 31 मार्च 21, एक्स टू इंटरेस्ट 60,000, फर्स्ट अप्रैल 20 बैलेंस बीडी।
एक्स टू इंटरेस्ट 60, इंटरेस्ट पे बाय एक्स 31 मार्च 21। एक्स टू इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे बैंक टू एक्स, बैंक टू एक्स। तो 31 मार्च 21 बाय बैंक 360,000। और 31 मार्च 21 की लास्ट एंट्री इंटरेस्ट टू पीएनएल। इंटरेस्ट अकाउंट टैली हो गया और एक्स के अकाउंट में बैलेंस 3 लाख ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने फिर किया एक्स टू इंटरेस्ट 30। फिर हमने अबाउट रिसीव किया बैंक टू इंटरेस्ट बैंक टू एक्स। थ्री थर्टी एंड लास्ट इंटरेस्ट टू पीएनएल। इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज, एक्स अकाउंट ऑल्सो क्लोज्ड। तो क्या एक्स का कोई बैलेंस आना चाहिए? नहीं, क्योंकि अब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। तीनों अकाउंट्स हमारे क्लोज हैं। बताओ इजी है? मतलब ये वाले 8 मार्क्स बहुत इजी हैं। टाइम लगेगा क्योंकि लिखना सारा पड़ेगा, लेकिन इजी है ये वाले मार्क्स। आगे चलते हैं बुक्स ऑफ हायर परचेजर, सेल्स वाला अकाउंट। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे बुक्स ऑफ एक्स। एक्स के मेथड का नाम था कैश प्राइस मेथड। फिर से जर्नल का फॉर्मेट,
फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे हम हायर परचेजर की बुक्स में? एसेट टू हायर वेंडर. तो यहाँ पर एसेट हमारा व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड. फर्स्ट अप्रैल 19, 12 लाख. Being asset purchased on hire purchase. यहाँ पर मैंने 12 लाख का अमाउंट लिखा है. यहाँ एसेट 12 लाख पे आना चाहिए कि 1380 पे? तो कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, मतलब वो तो हम पहले सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, सेल्स में तो नहीं होगा. अब हम लोग बायर हैं, तो हम एसेट खरीद के ला रहे हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है. तो मेरे लिए कॉस्ट 12 लाख रहेगी कि 1380 रहेगी? 1380 क्यों नहीं रहेगी? AS2 नहीं है यहाँ पे, तो AS2 इन्वेंट्री है, AS2 था ही नहीं. हमने तो AS16 पढ़ा है. इंटरेस्ट तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है. AS16 तो हमने पूरा पढ़ा है, बोरिंग कॉस्ट. हाँ यस, वेरी गुड. वो जो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है वो कौन से एसेट के केस में होता है? क्वालिफाइंग एसेट्स. क्वालिफाइंग एसेट्स कौन से होते हैं? जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है रेडी होने में. ये व्हीकल रेडी है या अभी रेडी होगी? रेडी है ये, इसलिए जो इसका इंटरेस्ट है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा. अगर ये क्वालिफाइंग एसेट होता तो फिर हम एसेट को डेबिट करते 1380 से, लेकिन यहाँ पर 12 लाख से. उसके बाद अगली एंट्री डाउन पेमेंट, एबीसी टू बैंक सेम डेट पर. थ्री लाख. बीट डाउन पेमेंट बीट. नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 31 मार्च 20. सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट टू एबीसी लिमिटेड. अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 90,000. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. नेक्स्ट एंट्री इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एबीसी टू बैंक. Being first installment paid.
इसके बाद हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 10% WDV। यस 1,20,000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय WDV एट 10%। तो एसेट का फर्स्ट ईयर है 12 लाख पे 10%। लास्ट पे P&L लेके जाएंगे। बोथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू P&L अकाउंट। फर्स्ट ईयर खत्म। सेकेंड ईयर 31 मार्च 21 पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। हमारा नुकसान है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, वेंडर का फायदा है इसलिए वो क्रेडिट कर रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट है 60,000। नरेशन सेम है तो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं ABC टू बैंक। थ्री लाख 60,000। उसके बाद हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू व्हीकल 1,08,000। तो हमारे एसेट की कॉस्ट है 12 लाख, जिस पर हमने पहले साल लगाया है 120। तो आपका बैलेंस आ गया 1080 और उस पर लगेगा इस साल 10%। और इस साल की लास्ट एंट्री ट्रांसफ़र टू P&L। ये साल ख़त्म और बिल्कुल सिमिलर मैनर में लास्ट ईयर।
एंट्रीज आसान हैं लेकिन करते करते थक जाते हैं। फिर से पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट टू एबीसी लिमिटेड 30,000। नहीं, किसी एक की बुक्स मोस्टली, भरोसा कुछ नहीं है। वो 8 नंबर में दोनों भी पूछ सकते हैं। अपने अपने कर्मों का फल। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सीए करने के लिए दुआएं भी चाहिए, तो वो बात सच्ची लगती है या आपको लगता है कि मैम ऐसी कहती हैं? वो मतलब वो रियल बात है। वो आप लाइफ में देखोगे ना, अगर अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि कम टैलेंटेड है, इतना डिजर्व नहीं करते, लेकिन उनके पास बहुत कुछ होता है। तो वो ब्लेसिंग्स का और दुआओं का जो है ना, बहुत फ़र्क है जो साथ में चलता है। इसलिए कमाते जाओ दुआएं। गिलहरी को तुमने कभी बिस्किट खिलाए? देखो, अगर खिलाए होंगे तो पेपर इजी आएगा, नहीं तो मुश्किल आएगा। गिलहरी को मैंने एक बार खिलाए थे, मुझे लगा कि वो ना भूखी है, क्योंकि वो पास नॉर्मली आते नहीं इंसानों के, और वो मेरे बहुत पास आ रही थी पार्क में। मुझे लगा पता नहीं शायद भूखी है, और मेरे पास उस समय ना मोनाको बिस्किट्स थे, तो मैंने उसको दे दिया एक। अब उसके बाद और गिलहरियाँ आ गई, मैंने बांट दिए सबको। अच्छा, लेके चली गई, अब मुझे पता नहीं था खाती हैं कि नहीं खाती हैं, पता नहीं। गिलहरी से क्योंकि इंटरेक्शन होता नहीं है ना, तो भाग जाती है। अब वो लेकर चली गई, और फिर मैंने देखा पेड़ पे चढ़ गई हैं, और इतना क्यूटली उन्होंने उस मोनाको बिस्किट को पकड़ा हुआ है पूरा, और वो अच्छे से बाइट ले लेकर ना उसको खा रही हैं। और वो इतनी अच्छी लग रही थी, वो 6-7 गिलहरी और सबके हाथ में मोनाको है और वो खा रही हैं। मैंने मोबाइल कैरी नहीं किया था, वो पिक्चर मोमेंट था, पर वो मैं क्लिक ही नहीं कर पाई। तब से मुझे हमेशा वो मोमेंट बड़ा याद आता है कि वो उन्होंने मोनाको बिस्किट खाए। तो आप ऐसे अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, दुआएं कमाइए। पेपर में क्वेश्चन आसान आएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बस करते करते ना थक जाओ। इंटरेस्ट टू एबीसी 30। अगला, इंस्टॉलमेंट पे कर दें एबीसी टू बैंक। लास्ट इंस्टॉलमेंट 330। फिर अगला काम करने में हमें मजा आएगा, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखो कितना मजा आ रहा है आपको, कितना कोरस में आपने आंसर दिया। 97,200। तो WDV चल रहा है, तो 1080 -18 और उसके ऊपर 10%। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि वो डेप्रिसिएशन कितना इम्पॉर्टेंट है, सब जगह हर चैप्टर में यूज़ हो रहा है। और फिर हम लास्ट एंट्री पर आ गए, P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। एक लाख 27,200। एक क्वेश्चन मुझे और भी कराना था आज। ये बताओ, लेजर अकाउंट्स घर से बना के आओगे इसके, है ना? कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनेंगे? व्हीकल अकाउंट, एबीसी लिमिटेड, डेप्रिसिएशन, यस, और इंटरेस्ट। 4 लेजर अकाउंट्स जो हैं बनेंगे। क्या देखा जाए, देखते हैं हम, बताओ। हाँ नहीं, डेप्शन के लिए इन्फॉर्मेशन है ना, हर साल की डेप्रिसिएशन।
मुझे पता था तुम लोगों का यही है, जहाँ अकाउंट मिस कर सके हम कर देंगे। सिर्फ एक मन्नत उल्टी दिशा में चली थी कि मैम हम बनाएंगे, हमें बैंक अकाउंट बनाना चाहिए। डेप क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास ऑल ईयर्स की डेप्रिसिएशन है। बैंक क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि सिर्फ एक ही हायर परचेज के अलावा, बैंक तो देखो ना आप, उसमें बहुत कुछ होता है, डेप्रिसिएशन में होता ही क्या है ना? डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है? डेप और पीएनएल, वो दोनों हैं। इसलिए ये बनाएंगे, बैंक नहीं बनाएंगे। ये घर से बना के लाओगे तो यहीं पे दो पेज छोड़ देना, ताकि क्वेश्चन कनेक्टिविटी में रहे। और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करा रही हूँ, वो कर लें। हाँ, आपके दिल से कितना आ रहा है कि यस मैम कर लेते हैं, हमें बहुत मज़ा आएगा। उससे अच्छा नहीं, नहीं फिर ये क्या फ़ायदा है? मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाना है, इसलिए होमवर्क दिया है लेजर अकाउंट। देखो तो दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल लिखो। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, सेकेंड एग्जाम्पल, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 390, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 360, थर्ड इंस्टॉलमेंट 330। कुछ कुछ पहले एग्जाम्पल जैसा ही लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, डाउन पेमेंट 3 लाख, कैलकुलेट कैश प्राइस एंड टोटल इंटरेस्ट। क्वेश्चन का हम पैटर्न बदला है। इस बार आपको हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और आपसे कहा है फिर से आप इंटरेस्ट निकालो और कैश प्राइस निकालो। मैंने यहाँ पे अमाउंट सेम रखे हैं इसलिए कि हमें आंसर पहले से पता है। वैसे तो हमें पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर 30,000, 60,000 और 90,000 का इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो कैसे करेंगे भाई? अभी हमें आंसर पता है कि आंसर इतना आना चाहिए, तो वो आंसर हम कैसे निकालें? तो अगर किसी क्वेश्चन ने हमें ऐसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो हम कैसे निकालें इंटरेस्ट? डिफरेंस इन ईच इंस्टॉलमेंट, वो सिर्फ इस क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो कोई और तरीका बताओ। आप निकालो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे निकालें? आपको पता है 90,000 आना चाहिए। निकालो ज़रा अमाउंट भी, आपके हिसाब से कैसे निकालें हम 90,000 का अमाउंट? हाँ, क्या वो तो यहाँ पर एक्चुअली में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम चल रहा है हर क्वेश्चन में। ऐसे नहीं करना, मतलब कुछ और सोचो। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। दिया ना, देखो दिया ने एक चीज़ बिल्कुल करेक्टली पकड़ लिया है क्वेश्चन में, क्योंकि इस बार इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हमें इस कंबाइंड अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10/110 करेंगे हम। अगर इंटरेस्ट लगाना होता है तो हम 10/100 करते हैं,
अब इन अमाउंट्स में इंटरेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम करेंगे 10/110। अब दिया ने कहा कि मैम हम कायदे से हमें करना चाहिए 10/110 ऑफ 390। तो देखो आंसर आ रहा है क्या? यहाँ से नहीं आ रहा। लेकिन अब जो आदिल ने कहा ना, हमें वैसे चलना पड़ेगा। आदिल ने कहा मैम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से काम नहीं बनेगा, लास्ट से चलते हैं। 10/110 ऑफ अगर 390 किया तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर 10/110 ऑफ 330 किया तो देखना कितना आता है। तब 30 आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा। तो हम इस केस में चलेंगे रिवर्स। अगर क्वेश्चन हमें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो हम रिवर्स चलेंगे, हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से चलेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इंटरेस्ट अमाउंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे 10/110 ऑफ 330। तो ये 30 हो गया। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 330। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का फैक्टर आ गया 3 लाख। अगर इंटरेस्ट 30 है और इंस्टॉलमेंट 330 की है, तो 30 इंटरेस्ट और बेसिक अमाउंट 3 लाख। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट अमाउंट इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, या कहें सेकेंड लास्ट। इसमें तो 3 ही है, तो आप कैसे भी कह लें। अब हम इसमें करेंगे 10/110 ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने की है सेकेंड वाली? 360। 360 प्लस प्रीवियस वाले का प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख। तो देखना कितना आ रहा है। सिक्सटी थाउजेंड आ रहा है, और इंटरेस्ट था भी कितना? 60 था। ये क्या हुआ? ये क्या कैलकुलेशन हुई? हाँ बताओ। नहीं, चेंज हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा ये, इसलिए मैं अभी इस पॉइंट को नहीं कंसिडर कर रही आपके। तो आप ये मानो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, एक बार मान के चलो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब ये बताओ कि ये यहाँ पे हमने क्या किया, 660 से इंटरेस्ट कैसे आ गया? यस, हम लोग रिवर्स क्यों चल रहे हैं? लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐसी है जिसमें सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा है। सेकंड पे इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगा है? पहले वाले का जो पेंडिंग आ रहा है वहां से। तो हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट सेकंड में ऐड करना पड़ेगा, फिर 660 का हम निकालेंगे 10/110। तो इंटरेस्ट अगर 60, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट इस एग्जाम्पल में हमारा सेम चल रहा है 3 लाख। फिर देखो इंटरेस्ट अमाउंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब हम करेंगे 10/110 इंस्टॉलमेंट हमारी थी 390 की। 390 की, और मैं इसमें ऐड करूंगी प्लस 6 लाख, प्रीवियस वाले का प्रिंसिपल अमाउंट। रिवर्स चलते जाएंगे और जस्ट पहले वाले का प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करेंगे।
अगर इसमें प्लस थ्री करोगे तो आंसर नहीं आएगा। प्लस सिक्स से देखो आ रहा है, आ रहा है 90,000, क्योंकि पहला इंटरेस्ट लगा था 9 लाख के ऊपर, फिर लगा था 6 लाख के ऊपर, फिर लगा था 3 लाख के ऊपर। तो ये 3,90 में 6 ऐड करके हमने इसे पहले 9,90 बनाया है, फिर हमने किया है 10/110। तो अगर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दी होगी तो 10/110 करना है, रिवर्स चलना है, और पहले वाले के प्रिंसिपल अमाउंट को हम ऐड करते चलेंगे। कुछ कुछ क्लियर है? कोई बात नहीं, अगली क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन मैं फिर भी दूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इस टाइप का जिसमें आपको इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकालना है। तो एक क्वेश्चन, चलो मैं बहुत इजी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 1 करके आना आप, और लेजर अकाउंट्स बस। अब तो निकल ही गया कैश प्राइस। देखो इंटरेस्ट आ गया 60, 90 और 30, ठीक है। हायर परचेज प्राइस, सारी इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट, ये हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट, तो आपका क्या आ गया? कैश प्राइस। निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट लगेगा। हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या होता है? डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट हमारी, हमें गिवन है 3 लाख, 3 लाख प्लस 390 प्लस 360 प्लस 330, सारी इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, ये हो गया हायर परचेज प्राइस। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है, पहले 30 आ रहा था, फिर 60 आ रहा है, और फिर 90 आ रहा है, ये आपका कैश प्राइस आएगा। आंसर हमें पता है 12 आना चाहिए। देखो आ रहा है 12, यस। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।